बुलंद कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री निवास के घेराव का कार्यक्रम युवा मोर्चा ने आयोजित किया है और इस पीएससी घोटाला, जो मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े पीएससी घोटालाओं में एक है, इसके खिलाफ युवा मोर्चा प्रदेश की करोड़ों करोड़ों युवा कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति किया गया बहुत बड़ा अन्याय है, घोर आपातकाल है और इससे कई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इससे पीड़ित हो चुका है। और इस पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच होनी है, ये हमारा आग्रह है और इसी को आगे रखकर आज युवा मोर्चा एक ऐतिहासिक आंदोलन और सीएम निवास का घेराव आज हम कर रहे हैं। मैं पिछली बार भी जब आया था, मैं तब भी प्रदेश में बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का वेव में महसूस किया। 3-4 महीने से लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं जब बात करता हूँ, अपने युवाओं के साथ बात जब करता हूँ और बैंगलोर में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों के साथ मैं जब बात करता हूँ, सब इस सरकार से नाराज है। मुख्यमंत्री जी इज फेसिंग अ वेरी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी और मैं 100% विश्वास से कह सकता हूँ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ उपस्थित होने वाला है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के आशा और अपेक्षाओं को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में आएंगे। क्या युवा चेहरा होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, युवा चेहरा होना चाहिए प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, इन सभी नेतृत्व वाली चुनाव के मुद्दे के ऊपर निर्णय लेंगे सही समय में, पर भारतीय जनता पार्टी अकेला एकमात्र पार्टी है जो राजनीति में युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जो बिना राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं ऐसे नौजवानों को भी मौका देकर उनको आगे बढ़ाते हैं। पूरे देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज पीएससी घोटाले के बारे में हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और उसी के ऊपर फोकस करना जरूरी है। इस बार कितने टिकट मांगे, इस बार कितने टिकट मांग रहे हैं प्रदेश में आप युवा मोर्चा? उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, हर चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए मौका दिए हैं। मैं विश्वास के साथ मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी कई सारे युवा इस बार मैदान में, चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।